बिहार का चुनावी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। जनता जहां महागठबंधन और एनडीए को विकल्प मान रही है, वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरा विकल्प भी आकार लेने लगा है। दरअसल आज तीसरे खेमे में लोजपा से टूटकर बनी लोजपा सेकुलर ने फिर हलचल पैदा किया है। आज होटल कौटिल्या में भारतीय जनक्रांति दल डेमोक्रेटिक के राज्य इकाई का विधिवत विलय की घोषणा की गई है। भारतीय जनक्रांति दल के विधिवत विलय की घोषणा के अवसर पर लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि महागठबंधन के कई दल जैसे जीतनराम मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली पार्टी रालोसपा और मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के संपर्क में है। वहीं पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भी तीसरे मोर्चे में आने की हामी भर चुके हैं। इन सब के अलावा 14 अन्य छोटे दल भी जल्द ही लोजपा सेकुलर में विलय करने वाले हैं। आइए आपको सुनाते हैं इसके अलावा और क्या क्या कह रहे हैं लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा। देखिए, लोजपा सेकुलर में रोज बरोज लोग शामिल हो रहे हैं, भाजपा छोड़ करके, जेडीयू छोड़ करके, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें भारतीय जन क्रांति दल का बिहार इकाई पूरा का पूरा लोजपा सेकुलर में विलय किया और राजद का जो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, प्रोफेसर हैं, विद्वान साथी हैं, प्रोफेसर राम प्रसाद यादव जी, राम प्रवेश यादव जी, सब लोग शामिल हुए हैं और लोजपा सेकुलर का जो तीसरा विकल्प बनाने का मार्ग है वह सुगम होता जा रहा है। बिहार में लोजपा सेकुलर सरकार बनाएगी 2020 में और अति पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। ये अभियान को काफ़ी बल मिल रहा है और इस बल को जो प्रोत्साहन मिल रहा है और लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है पूरे बिहार में, उससे हमको कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि लोजपा सेकुलर मजबूत विकल्प बन कर के निखर रहा है और मजबूत विकल्प देगा। तीसरा विकल्प का जो दावेदारी है लोजपा सेकुलर का, वो तीसरा विकल्प बनेगा। राज्य के कई नेताओं से लगातार बात हो रही है, अभी माननीय जीतनराम मांझी जी से भी बात हुई और सारे लोगों से बात हो रही है, पप्पू यादव जी भी मेरे घर पर आए थे, ये सारी बातें हो रही है और लोजपा सेकुलर तीसरा विकल्प बनेगा। बाकायदा जो पार्टी है, जो टिकट बेचवा पार्टी है, उस सब का सफाया हो जाएगा। भारतीय जन क्रांति दल का विलय लोजपा सेकुलर में हो गया है, वहीं पर उनके प्रदेश अध्यक्ष से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ विलय का कारण है कि बिहार में एक स्वच्छ राजनीति हो, और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी सेकुलर के सत्यानंद बाबू ने कहा है कि बिहार को एक मुकाम पर पहुंचाना है तो जाहिर है कि तीसरा फ्रंट का निर्माण होना जरूरी है, और निर्माण होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना कि बिहार को नई दिशा देने के लिए भारतीय जनक्रांति दल का विलय लोजपा सेकुलर में कर रहे हैं। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।